माइनक्राफ्ट, लेकिन आज हम क्राफ्ट कर पाएंगे $1 से लेके $1,000,000 तक की सॉर्ट को क्राफ्ट कर सकते हैं, और उसी सॉर्ट को लेके हम एंडर ड्रैगन की भी पिटाई लगाएंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यार मैं ना गलत जगह पे स्पॉन हुआ हूँ, मतलब भाई डिजर्ट पे, और तुम्हें पता है कितना हार्ड होता है यहाँ पर सर्वाइव करना, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार मुझे ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर कहाँ मिलेगी। क्योंकि गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए क्राफ्टिंग टेबल और रूटीन फ्लैश और एक बॉन पहला कस्टम सॉर्ट बनाने के लिए। एक काम करते गाइज, यहाँ पर ना सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पर स्टिक तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई गलत जगह पे स्पॉन तो हो गया हूँ। और भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई क्रीपर फटा है पक्का, ये देखो भाई। और इसलिए गाइस यहाँ पर मैं कुछ सैंड भी उठा लेता हूँ, कुछ काम आएगी। गाइस यहाँ पर ना मैं जितनी स्टिक उठाऊंगा उतना ही मेरे लिए फायदा है, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ तो मिल नहीं सकता, तो फटाफट से स्टिक उठाता हूँ। ओ ये क्या है भाई, डिजर्ट टेम्पल गाइस, ये देखो भाई साहब लॉटरी लग गई भाई, कुछ तो ज़रूरत की चीज़ तो मिली जाएगी यहाँ पर। ओल्ड लाइट, मैं अंदर तो आ गया हूँ। चलो गाइस नीचे की साइड चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके यहाँ से मैं इसको तोड़ता हूँ। ओ भाई नीचे तो आ गया हूँ, और प्लेट को तोड़ देता हूँ फटाफट से। और गाइस देखते हैं चेस्ट में क्या है। और भाई देखो हमें जो बॉन्ड चाहिए था वो मिल गया, और रूटीन फ्लैश, तो भाई ये तो काम का आने वाला है। और सेकेंड चेस्ट में ओ भाई साहब डायमंड। ओल्ड लाइट गाइस, गन पाउडर भी बहुत सारा पड़ा है, गन पाउडर तो किसी काम का नहीं, तब भी मैं रख लेता हूँ। और के थर्ड चेस्ट में देखते हैं भाई, इसमें एन्चेंटमेंट बुक पड़ी है वो भी पंच की, तो ये किसी काम की तो नहीं है मेरे, तब भी मैं सारी चीज़ें रख लेता हूँ। ओके ओ भाई इस वाली चेस्ट में देखो भाई गोल्डन एप्पल, और भाई रूटीन फ्लैश देखो कितने सारे हैं गाइज, इसी की जरूरत थी हमें, और बोन की, और भाई इसी से हम क्राफ्ट कर सकते हैं। और भाई थोड़ा TNT भी ले लेते हैं, TNT भी हमारे काम आने वाला है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, फटाफट से गाइज के TNT भी ले लेते हैं। चलो और भाई अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जरूरत की चीज़ें सारी मिल चुकी है। और लाइट गाइज मैं यहाँ पर बाहर तो आ गया हूँ, अब तुम देख सकते हो मेरा डिजर्ट टेम्पल मेरे पीछे ही है। हमें चाहिए क्राफ्टिंग टेबल जो कि वुड से मिलेगी। अब इसी के साइड में देखो भाई दूसरा बायोमी है, तो भाई तुम समझ गए अब क्या कर सकते हैं हम, तो फटाफट से गाइज यहाँ पर दूसरे बायोमी में चलते हैं, और फटाफट से वहाँ से ना वुड कलेक्ट करके यहाँ पर एक प्लैंक से ना हम क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो ये लोग गाइस हमारा क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रेडी हो चुका है। ऑल राइट अब लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल और एक पिकैक्स बना लेते हैं, और उसके बाद हमें बनाना एक कस्टम सॉर्ड। तो भाई देखो दो रूटीन फ्लैश ऐसे, उसके बाद हमें एक स्टिक लगानी है, और ये बन गई हमारी सॉर्ड। और भाई ये देखो $1 की हमारी सॉर्ड बन चुकी है पहली, और भाई इसमें लिखा शूट्स फ्लैश एंड डैमेज मॉब। ओके तो गाइस हमें ना किसी मॉब पर ट्राई करना है, तो एक बार हम यहाँ पर मॉब तो मुझे मिल गया, ये रहा पिक देखो गाइस इस पर। ओ भाई इस पर राइट क्लिक करने पे देखो भाई फ्लैश निकल रहे रूटेन, और भाई उससे मॉब मर जा रहे हैं। देखो गाइस अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये ले बेटा मर भाई साहब, ये क्या है भाई, ये तो खतरनाक है गाइस, ये देख रहे हो भाई साहब, ये एक मिनट ये देखो गाइस मुझे विलेज मिल गया भाई, ये तो किस्मत का भाई लॉटरी लग रही है भाई। चलो गाइस यहाँ पर ना खाने का टेंशन नहीं, तो पहले हम यहाँ पर ना कुछ ब्रेड ले लेते हैं, पक्का यहीं कहीं होनी चाहिए, तो विलेज में तो मिलती है। और ये देखो गाइस ब्रेड मिल चुकी है, क्योंकि भाई ब्रेड के बिना तो काम ही नहीं चल सकता ना खाने के बिना, तो चलो गाइस ब्रेड तो मिल गई है, फटाफट से खाया जाए। अब गाइस यहाँ पर दूसरी सॉर्ट बनाते हैं, और यहाँ पर मैंने लगाई क्राफ्टिंग टेबल, और तीन बोन को ऐसे लगाना है, और उसके बाद ये देखो गाइस ये बन गई हमारी भाई सेकेंड सॉर्ट, वो भी $100 की गाइस। और भाई ये करती क्या है एक बार चेक करते हैं, इसको मार के देखूं क्या। ओ डैमेज तो यार नॉर्मल है, एक मिनट पर राइट क्लिक करता हूँ, और देखते हैं किस पे करूँ, विलेजर पे करूँ क्या। ओ भाई ये क्या निकला गाइस, में देखो बोन निकला, बोन से भाई आइस क्यूब बना रहा है, ये देखो गाइस, ओए निशा, ओ भाई साहब ये देखो भाई इस विलेजर मर रहा है, ओ विलेजर को नहीं मानना था भाई, एमेरल्ड के लिए हमें ट्रेड करना है, इसको बचाओ भाई, चलो चलो बेटा जाओ बाहर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमसे अभी ट्रेड करना है हमें, फिर तुम्हें हम मुक्ति देंगे। चलो कोई बात नहीं गाइस इसको मारो, देखो भाई चिकन को देखो कैसे मर रहा है भाई, मैं तो टेंशन नहीं भाई, मॉब को किसी को भी मार सकता हूँ, ये देखो गाइस भाई ला बेटा खाना दो खाना दो खाना दो, बस बस हाँ हाँ मर गए बस तुम, हाँ ये लो खाना मिल गया भाई। और एक मिनट गाइस यहाँ पर रात हो गई है भाई, ये देखो, तो एक काम करते गाइस फटाफट से सो जाते हैं, ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। और ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चे भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, पर इनको हटाना पड़ेगा यार, ये तो मेरा बेड घेर के बैठे हैं। चलो बेटा हटो हटो हटो, चलो गाइस सोते हैं फटाफट से यार, ये तो ओए चला ओए सो को नहीं पा रहा, नियर बाय मेरे मॉब है, ओ अब तो नहीं है यार, अब तो चले गए ना, ओ हाँ सो गया। चलो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, और भाई ये देखो आयरन गोलम और क्रीपर, ये लो बेटा गाइस ये देखो भाई आयरन गोलम को भी और क्रीपर को भी इसने लपेटे में ले लिया भाई, मतलब भाई जो भी इसके अंदर आएगा ना वो घुट घुट के मर जाएगा भाई, ये देखो भाई क्रीपर मर गया कितनी आसानी से, और आयरन गोलम को देखो ओए बच गया मैं, गाइस मेरे पर भी गिर गया था। तो गाइस फटाफट से ना आयरन गोलम को भी मार के ना यहाँ पर थोड़ा आयरन ले लेते हैं, यार आयरन की जरूरत है यार हमें, तुम समझते क्यों नहीं हो, मानना पड़ेगा, ये देखो कैसे मर रहा बेचारा, मर
मर गया भाई। ओके कितना आयरन दिया है देख तो ले। ओ अंदर है भाई आयरन, बर्फ में जम गया। चलो कोई बात नहीं, आ तो गया आयरन। ओके भाई साहब चार आयरन दे चुका है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट कस्टम बनाते हैं सोर्ड। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कुछ टीएनटी और एक बॉन, और ये बन गई हमारी भाई नेक्स्ट सोर्ड। और भाई इसका नाम क्या है भाई, टीएनटी सोर्ड है तू। गाइस इसको ट्राई करते हैं फटाफट से, चलो यार देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे मॉब है, इस पर राइट क्लिक करूंगा। ओ ये क्या था भाई, टीएनटी निकल रहा है क्या? ओ हाँ गाइस ये देखो टीएनटी निकल रहा है भाई। और बेटा तू कैसा है, ये ले मर मर भाई, ये तो मुझे भी डैमेज दे रहा है लग रहा है गाइस, दूर से मारना पड़ेगा मुझे। और भाई रुको एक मिनट, ये रहा एक और, इसको ओ लो भाई बच गया मैं भाई साहब, बच गया यार। पास वाले को नहीं मारूंगा अब मैं, अबे भाई मर जाता यार मैं। एक काम करते हैं गाइस, आगे चल के थोड़ा ट्राई करते हैं इस पे करेंगे। वो देखो गाइस इसके हाउस पे ट्राई करते हैं। ओके देखो वो देखो जा रहा भाई, ये दूर तक जा रहा है भाई, देखा तुमने। ओ भाई अब बनाते हैं नेक्स्ट सोर्ड गाइस, उसके लिए हमें कोल चाहिए। और देखो इतना सारा कोल पड़ा हुआ है भाई, दूर से मारूंगा इसको तो मैं। गाइस सारा कोल उठा लेता हूँ फटाफट से यहाँ पर, देखो ये ले बेटा। गाइस ये देखो भाई, क्योंकि गाइस हमें ना नेक्स्ट सोर्ड बनाने के लिए कोल चाहिए होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोल कलेक्ट कर रहा हूँ, और एमरल्ड भी चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर मैं कोल ले लेता हूँ, और लेट कोल तो मुझे मिल चुका है। अब भाई विलेजर से देखते हैं ट्रेड में क्या दे रहा है ये, तो फटाफट से देख लेते हैं भाई। ये तो कैरेट के बल्ले एमरल्ड दे रहा है, तो किसी काम का नहीं है। दूसरा विलेजर ओके हाँ ये काम का, देखो गाइस कोल से दे रहा है एमरल्ड। तो फटाफट से गाइस मेरे पास बहुत कम कोल है, तो देखो सामने कोल लगा है तो फटाफट से ले लेते हैं। ओए हटना क्या है यार, ड्रामे कर रहा है, चल ऐसे। तो फटाफट से गाइस यहाँ पर कोल को कलेक्ट करते हैं, और लाइट मैंने कोल तो यहाँ पर बहुत सारा कलेक्ट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर बनाते हैं नेक्स्ट सोर्ड। पहले तो यहाँ पर मैं एमरल्ड ले लेता हूँ, क्योंकि दो एमरल्ड की जरूरत है बस, और उससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई दो एमरल्ड तो ले लिया, अब लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। और भाई ये लो दो एमरल्ड हमें ऐसे लगाना है, फिर उसके बाद गाइस हमें ना एक यहाँ पर ना आयरन को लगाना है, देखो ऐसे। और ये बन गई हमारी नेक्स्ट कस्टम सोर्ड। और भाई ये देखो $1000 की है ये गाइस, मतलब अगर मैं इसमें लिखा है भाई, अगर मैं किसी मॉब को मारूंगा ना तो वो चेस्ट स्पॉन करेगा, लॉटरी स्पॉन होने वाली भाई हमें। ये देखो विलेजर भाई, विलेजर ने चेस्ट स्पॉन कर दिया देखो। और भाई इसके अंदर देखो डायमंड आयरन गोल्ड एन्चेंटमेंट एप्पल, भाई ये क्या क्या दे रहा है। ओ भाई पिक को मार के देखते हैं एक बार। ओके मतलब किसी भी रैंडम लूट मिल सकती है गाइस, हमें किसी भी मॉब को मारना है और रैंडम लूट मिल जाएगी। ये देखो भाई ये क्या दिया इसने, अरे यार इसने तो सेम दिया, कोई बात नहीं हमें जरूरत है यार इन सबकी, ले लेते हैं गाइस। और भी ज़्यादा मॉब को मारते हैं, चलो गाइस फटाफट से। ये देखो गाइस ये रहे चिकन, तो इनको मार के देखते हैं भाई क्या मिलेगा। ओ ओ भाई ये देखो ब्लेज, और भाई एंडरपल भी मिल गए भाई, ये लो स्ट्रॉन्ग होल जाने का काम भी बन गया हमारा। चलो गाइस इस सबको कलेक्ट कर लेते हैं भाई साहब, यार ये तो मस्त है भाई, लॉटरी लग रही है यार एक एक मॉब को मारने पे। ये देखो गाइस एक और पिग है, इसको मार के देखते हैं भाई, देखते क्या मिलेगा। ओके और भाई क्या देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ओ भाई ये देखो ड्रैगन एग मिल गया, ओके ले लेते हैं। और भाई एंडरपल कितनी सॉरी गाइस, हम तो इजीली स्ट्रॉन्ग होल्ड जा सकते हैं। बाकी तो यार मुझे सारी चीज़ें तो मिल गई है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट सॉर्ड भी बना लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट सॉर्ड के लिए दो एंडरपल ऐसे, और उसके बाद एक ब्लेज ऐसे, और ये बन गई हमारी नेक्स्ट सॉर्ड। और भाई इसका नाम है, ये देखो गाइस इसका नाम क्या है भाई, भाई ये देखो $5000 की है ये, मतलब भाई ये मैं इसमें टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। ये देखो राइट क्लिक, ओ भाई ये देखो इसमें भाई एंडरपल निकल रहा है भाई, ये स्ट्रॉन्ग होल जाने के लिए काम आएगी। ओके इसको भी मार दिया इसने, क्या दिया अबे ये तो नॉर्मल लोड दिया इसने वापस, अमीर हो गया भाई, यहाँ से निकलो अब नहीं चाहिए गाइस कुछ भी। तो गाइस हमें ना अभी नेक्स्ट कस्टम सोर्ड बनाने के लिए ना एक और चीज़ चाहिए, तो एक मिनट रुको गाइस। भाई ये देखो टेलीपोर्ट हो गया गाइस यहाँ पर विलेजर के पास, भाई ये तो स्ट्रॉन्ग होल जाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है हमारी। चलो अब फटाफट से ना यहाँ पर 1 मिलियन वाली सॉर्ड भी बना ली जाए आखिरी। तो यहाँ पर दो ब्लेज ऐसे, दो बोन ऐसे, और ड्रैगन एग बीच में, और ये बन गई गाइस हमारी 1 मिलियन सॉर्ड। और ये देखो भाई ये क्या है भाई, ये देख रहे हो गाइस 1 मिलियन सॉर्ड। एक मिनट इसमें ट्राई करते हैं इसको यहाँ पर, और भाई इसमें राइट क्लिक करूंगा तो ओ भाई इसमें ड्रैगन की पावर आ चुकी है। ये देखो गाइस ये देखो कितना ज़्यादा माइन कर दिया, और हर जगह फायर। और एक मिनट भाई मेरे हार्ट देखो भाई क्या क्या मिल गया मुझे गाइस, एक मिनट रीजनरेशन स्ट्रेंथ स्पीड भाई क्या क्या मिल चुका है। और गाइस ये देखो भाई एक क्लिक पे तो सारे मॉब मर रहे हैं इस तरवाल से, और गाइस ये देखो फिर से भाई, और इस बार तो इसने पूरी तरह से माइन कर दिया है भाई। ये देखो कितना ज़्यादा माइन कर दिया भाई, कितनी खतरनाक सोर्ड है गाइस।
अब तो एंडर ड्रैगन गया भाई साहब, मतलब एंडर ड्रैगन की तो अब ऐसी पिटाई लगने वाली है कि वो सोच नहीं सकता। तो गाइस चलो फटाफट से ना एंडर ड्रैगन को मारने के लिए ना हमें स्ट्रॉन्ग होल जाना होगा और उसकी सारी चीज़ों को बना लेते हैं। तो फटाफट से मैं क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ और यहाँ पर ब्लेज का ब्लेज पाउडर और यहाँ पर ना एंडर आई बना लेता हूँ। ये लो गाइस हो गई, इतनी काफ़ी होगी। और लाइट गाइस अब स्ट्रॉन्ग होल ढूंढते हैं फटाफट से, मेरी स्किन देखो कैसे हो रही है। ओके इधर जा रहा है, तो मैं स्ट्रॉन्ग होल ढूंढ के तुमसे अभी फटाफट से मिलता हूँ। और लाइट गाइस यहाँ पर देखो मेरी ना यहाँ पर जा रही है एंडर आई, मतलब भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड इधर है। तो फटाफट से माइन करके नीचे की तरफ चलते हैं। और लाइट गाइस मैं नीचे तो आ चुका हूँ और भाई स्क्रीन देखो कैसे हो रही है मेरी, कितनी बड़ी हो गई यार, समझ में नहीं आ रहा इतनी तेज भाग रहा मेरा प्लेयर। ओ क्रीपर, इसको तो इसी से मारूंगा भाई। ये ले बेटा तू इससे मर, चेस्ट पोन करो आज। ओके भाई ये क्या है, ओए अच्छा कीड़े इधर से आ रहे हैं, मतलब भाई इधर है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओके ओ भाई चेस्ट पोन कर दी इन्होंने भाई साहब। ये रहा गाइस ये देखो पोर्टल भाई साहब, ये रहा। और भाई ये तो चलो फटाफट से ना इसको, ओए मैं भाई क्यों मार रहे हो, ओए रुक जाओ, अरे रुको ना स्पोनर तोड़ने दो। अबे भाई क्या है ये, वो समझ में नहीं आ रहा क्या, मेरे पीसी पड़ गए। अबे चलना, ओ भाई स्क्रीन ऐसे दिख रही है ना, इसको मार भी नहीं पा रहा भाई, ये क्या पावर है यार नकली है भाई। चल मर यहाँ से। चलो गाइस फटाफट से यार स्पोनर को तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ओके फटाफट से यहाँ पर लगाते हैं हम अपनी एंडर आई। ये लो भाई दो लगेगा, एक ही लगा था भाई। ओके चलो गाइस ये तो हो गया सारा कुछ, अब चलते हैं अंदर की साइड। और लाइट गाइस यहाँ पर मैं बेस्ट जगह पे, सही है यार ये भी जगह, तो फटाफट से ऊपर की तरफ हमें माइन करके जाना होगा। और लाइट हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ गया हूँ मैं। अब फटाफट से गाइस हम ना 1 मिलियन वाली शॉट से मारेंगे एंडर ड्रैगन को। तो फटाफट से गाइस पहले तो मैं क्रिस्टल तोड़ देता हूँ यहाँ पर। अरे लग जा भाई, एक मिनट रुको मैं भी लगेगा गाइस। अरे यार ये परेशान कर रहे हैं। ओ लग गया गाइस, ओ फट गया। और ये क्या हुआ भाई, सारे फट गए। और अबे एंडर ड्रैगन भी मर गया भाई, एक क्लिक में मर गया भाई, एक सेकंड नहीं लगा इसको मारने में। ये देखो गाइस मर गया भाई साहब, ये क्या था भाई, ये क्या था यार, ये तो यार कितनी जल्दी मर गया गाइस, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कितनी खतरनाक शॉट थी गाइस। देखा मैंने तो सिर्फ क्लिक किया था यार, बाकी यार वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, ना तो भाई TNT तुम्हारे ऊपर फोड़ दूंगा। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।